मैंने देखा कि बनारस की गलियों में सांड, बैल, भैंस, गधा और सूअर के ऊपर कागज की पट्टिका लिखी हुई लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद, डीपी सिंह मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद के नारे हमारे महापुरुषों को गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बना दिया गया। यही सवर्ण जाति वाले कहते थे कि आरक्षण से प्रतिभाओं का हनन होगा, और मैं कहता हूं कि आरक्षण से प्रतिभाओं का हनन नहीं, ये तो प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का एक माध्यम है। डोनेशन से प्रतिभाओं का हनन होता है। लोहार पार सुनार हो, तेली तमोली बरई बारी, नाई धोबी कुचला कसाई फकीर हो, जुलाहा हो, गद्दी हो, अहीर हो, कुर्मी हो, काछी हो, लोधी हो, कोली हो, भोई हो, चबार हो, पासी हो, धरकार हो, बसोर हो, डोम हो, वाल्मीकि हो, इनके लोग जो पुश्तैनी पैसे में लगे हुए हैं, इनके पास इतना रुपया नहीं है कि डोनेशन देकर के IIT और MBBS की पढ़ाई कर लेंगे। इंटरनेशनल लायर, अंतरराष्ट्रीय महाजुट्ठा, वह बेईमान अपने को पिछड़ी जाति का गरीब माँ का बेटा बताते बताते हम लोगों के पिछड़ों, दलितों, वंचितों, आदिवासियों के वोट पर डकैती डाल करके जो नील श्रृंगार के रूप में देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जाता है विदेशों में तो कहता है मैं तो गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं। अरे बेईमान, भारत में राम के नाम पर राजनीति करते हो, विदेश में हमारे पूर्वज गौतम बुद्ध का नाम लेते हो, या धर्म की घुटकी पिला करके हम लोगों को जो है मुख्य धारा से काटने का काम करते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, रेसलर की कर दी गई, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग की कर दी गई। तो आए भाजपा वाले बेईमानो, पिछड़ों की जनगणना उजागर करने वाले न करने में तुम्हारा क्या पिछवाड़े में लाल मिर्ची लग जाती है? मैं 1987 में जब होश संभाला, जब बफोर्स तोड़ घोटाला हुआ था, तो बीपी सिंह कांग्रेस को लात मार करके जब राष्ट्रीय मोर्चा बनाए थे, तो उनकी जात के साथ साथ बड़ी जाति वालों ने नारा लगाया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और जब 1990 में जनता दल राष्ट्रीय मोर्चा की बाम मोर्चा के सहयोग से सरकार बनी और सामाजिक न्याय के महान योद्धा, हम लोगों को रास्ता दिखाने वाले पाखंड और अंधविश्वास के विरुद्ध जो है सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने वाले शरद यादव जी, सामाजिक न्याय के महान सिपाही लालू प्रसाद यादव जी, परम पूज्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी के प्रयास से जब बीपी सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण अध्यादेश लाने का निर्णय लिया, रातों रात नारा बदल गया था, राजा नहीं रंग है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। जब मंडल कमीशन के संदर्भ में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का निर्णय 16 नवंबर 1992 को आया, तो उसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण को नकार दिया गया और भारतीय संविधान जो बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा लिखा गया उसमें भी पिछड़ेपन का जो मानक है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है, न कि आर्थिक पिछड़ापन है। और मैं एक बात बता दूं आपसे, उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, उसका हम लोग चश्मदीद गवाह है और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की भीड़ जुटी है। लोक सेवा आयोग का गठन 1951 में हुआ और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो भी PCS की भर्ती हुई, SDM की भर्ती हुई, तभी 86 पद SDM का विज्ञापित ही नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक प्रोपगंडा कर दिया गया 2013 में लोक सेवा आयोग की। 2011 की PCS भर्ती का परिणाम जब 14 अगस्त 2013 को आया तो 86 में 56 यादव SDM बना दिया। अभी 4-5 दिन पहले आप सुने होंगे जो हमारे पूर्वज के मन से निकल करके आया है मच्छेन्द्रनाथ के, योगी आदित्यनाथ ने गुंडई की भाषा बोलते हुए सदन में जो है रेतुकार की भाषा बोलते हुए अखिलेश यादव को क्या क्या नहीं कह डाला और 86 में 56 की बात उभार दिया। मैंने चैलेंज कर दिया कि अगर योगी आदित्यनाथ 86 में 56 यादव SDM की लिस्ट प्रस्तुत कर दोगे
तो चौधरी लोटर राम निषाद पांच कालीदास मार्ग मुख्यमंत्री का आवास में स्वीपर का काम करेगा। और अगर लिस्ट नहीं दे पा रहे बेईमान तो तुम्हें जाकर के पौड़ी गढ़वाल में शरण लेना पड़ेगा या वही गोरखनाथ के मठ में जाकर के सारंगी बजाना पड़ेगा। मैं लड़ाई लड़ता हूं, मैंने संकल्प लिया 1992 में कि मैं जान दे दूंगा उस काम के लिए जिस काम में चौधरी लोटर राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लोटर राम निषाद निज स्वार्थ के लिए अपने जमीन को बेच करके अपने पिछले दलित पसमांदा समाज के कंधे पर सवार होकर के जो है अपना हित साधने का काम नहीं करेगा। हम सुरक्षित हैं। जब से प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह यादव जी का बयान आया है लोटर राम निषाद डेली कोई न कोई बयान जारी करता है और अपने यूट्यूबर साथियों के माध्यम से अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। हम धन्यवाद देना चाहते, पहले तो दिलीप मंडल का नाम हम लोग देखते थे कि कभी कोलेजियम की कभी जनगणना की बात करते थे। आज हमारे भाई शंभू कुमार सिंह पटेल नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शंभू कुमार सिंह पटेल हो चाहे नीरज पटेल हो, ऐसे लोग हैं जो वंचित वर्ग की आवाज को उठाने का काम करते हैं। और मैं आज सबसे बड़ा संवेदनशील जो मुद्दा है प्रकाश भाई, जनगणना का मुद्दा है। हमारे लोग भारत में पहली बार जो है 1881 में संपूर्ण जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, 1931 में अंतिम बार हुआ। लेकिन देश की आजादी के बाद 1951 की जो जनगणना हुई तो SC ST की जनगणना हुई, लेकिन OBC की जनगणना बंद कर दी गई। और जब 2010 में शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम हमारे जो नेता थे, मुलायम सिंह यादव जी ने आवाज उठाया तो UPA 2 की सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 में कराया। लेकिन वह प्रधानमंत्री जो नीलमल सिंगार बना हुआ है, 10 अक्टूबर 2013 को जब माता अमृतानंदमयी के कोची केरला स्थित आश्रम में जाता है तो कहता है कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूँ, लेकिन अगला साल 10 साल पिछड़ो और दलितों का होगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो 1079 IAS की सूची जारी की गई, आप सभी को मालूम है कि गलत तरीके से क्रीमी लेयर लगा करके हमारे लड़के जो OBC के थे, जाट के, गुर्जर के, लोहार के, कुहार के, मल्लाह के, कुंभी के, काठी के, कुम्हार के IAS बने थे, कड़ी मेहनत करके मुखर्जी नगर नेहरू बिहार में तैयारी करके 314 लड़कों को DOPT के माध्यम से बाहर कर दिया गया। यह पिछड़ों के नेता का यह कमाल है। और हमारे घर की भी पैमाइश कर दी गई है और मैंने कह दिया, दबाव आया, क्या चाहिए तुम्हें, पद आओ मैं देता हूँ। हमने कहा वह पद नहीं चाहिए जो पिछड़ों की हकमारी के लिए दिया जाएगा। हम पिछड़ों के लिए, मेरे घर पर बुलडोजर चल जाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर लोटर राम निषाद के ऊपर बाबू जगदेव प्रसाद की तरह अगर बुलडोजर भी चल गया तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। तो जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उनमें भरना है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब 30 अगस्त 2015 को जातिगत आंकड़े घोषित किए गए, SC ST की जातिवार जनगणना घोषित कर दी गई, आज कोलेजियम का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे वो महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव का मामला हो, चाहे छत्तीसगढ़ में जो है आरक्षण विस्तारीकरण का मामला हो, न्यायालय का हथौड़ा चल जाता है। अरे भाई, और प्राइमरी का मास्टर बनने के लिए UP TET और CTET पास होना पड़ता है, बाबू बनने के लिए UP PET क्वालिफाई करना पड़ता है, और जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है न्यायपालिका का, तो 5 जजों की पीठ अपने दामाद को, अपने बहनोई को, अपने साले को, अपने सराज को या जो है जज बनाने का काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद को, तुच्छ जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जिस तरह से लोक सेवकों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है, उसी तरह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन भारतीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से होना चाहिए। तो पिछड़ों में जब तक न जागोगे तो लुट जाओगे। ए लालो,
पिछड़ों वंचितों के हजारों साल का इतिहास तेरा डूब जाएगा। सितारे घेर लेंगे फिर तुझे, गर्दिश भरे आकर लुटेरा फिर तेरे आंगन में आकर लूट जाएगा। सावधान होना है, हिंदू नहीं बनना है, मंडलवाद अंबेडकरवाद और पेरियारवाद की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको ईमानदारी से अपने वोट को देने की बात करना है, जो हमारे आरक्षण का विरोधी है, सम्मान और भागीदारी का विरोधी है। न उन्हें हम सम्मान देंगे, न उनके पक्ष में मतदान करेंगे, हम उनका बहिष्कार करेंगे। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय कर्पूरी, जय संविधान, जय विज्ञान।